जी आप आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एडग्रेड पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 की जो है उसका पार्ट 1 को करेंगे। इस पार्ट का नाम है चलो चलें स्कूल। तो इस प्रश्न क्रमांक 1, स्कूल जाने के लिए आप ऐसे कौन कौन से साधनों का उपयोग कर सकते हैं जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाते हों। इस प्रश्न में ये पूछा गया है बच्चों, ऐसे कौन से साधन है जैसे कि धुआं वगैरह ना निकले, उससे कार्बन डाइऑक्साइड ना फैले। तो हम ऐसे साधन के लिए हम उत्तर लिखेंगे बच्चों, स्कूल जाने के लिए साइकिल, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी इत्यादि का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि इनसे प्रदूषण नहीं फैलता। प्रश्न क्रमांक 2, केरल के कुछ भागों में बच्चे नदी के दूसरी ओर स्थित स्कूल तक कैसे पहुँचते हैं, लिखिए। तो बच्चों क्या होता है केरल में के नदी है, नदी के एक साइड बच्चे रहते हैं और दूसरी साइड उनका स्कूल है, तो वो नदी को पार करते हैं। तो किस तरीके से पार करते हैं उसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम, लकड़ी की एक छोटी नाव का उपयोग करके स्कूल जाते हैं। बल्लम क्या होता है बच्चों, एक लकड़ी की छोटी सी नाव होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बल्लम बोलते हैं। तो उस पर बैठकर वो नदी को पार करते हैं और स्कूल तक जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, दिए गए चित्रों में बच्चे कुएं से बाल्टी खींच रहे हैं, ध्यान से देखकर बताइए कि दोनों में से किस तरीके से कुएं से पानी निकालकर अधिक आसान होगा और क्यों। तो जो बच्चा दूसरा वाला जो बच्चा दिख रहा है अपन को, ये वाला, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें कुएं से बाल्टी वो एक घिरनी की मदद से, जैसे कि हम पुली भी बोलते हैं, उसकी मदद से खींच रहा है। ये आसान तरीका है एज़ कम्पेयर इसके, ये हाथों से वैसे ही खींच रहा है, ये इसमें बल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इस वाले तरीके में थोड़ा बल कम लगेगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा उत्तर इस प्रकार होगा, पुली घिरनी के साथ पानी निकालना आसान होगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, बांस और रस्सी से बने पुल से भारी वाहन क्यों नहीं ले जाया जा सकता। तो देख रहे हैं हम बांस का पुल कितना कमज़ोर सा है बच्चों, और है ना क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा सकरा है, जिस पे से भारी सामान को हम नहीं ले जा सकते। बच्चे वगैरह तो निकल जाते हैं उस पे से, फिर भी ये रिस्की है, लेकिन भारी बाइक वगैरह और बड़ा साधन नहीं निकल सकता है इस पे से, आप देख ही रहे हैं इस चित्र में। तो इसका आप उत्तर लिखिएगा, बांस और रस्सी से बने पुल पर से भारी वाहन ले जाने से पुल टूट सकता है ना। तो इस तरीके से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, चित्र में दिख रही गाड़ी का नाम जुगाड़ है, क्या आप बता सकते हो इसे जुगाड़ क्यों कहते हैं। तो ये चित्र दिख रहा है आपको, देख रहे हैं आप, ये बाइक है आगे से और पीछे से इसमें एक बैलगाड़ी जैसी कुछ लगा दी है, तो है ना इसे जुगाड़ बोलते हैं बच्चों। कईयों जगह पर इसका इस्तेमाल सामान ढोने के लिए और सवारी गाड़ी के रूप में किया जाता है, लेकिन ऐसी कोई गाड़ी है ना डिज़ाइन है ना कोई कंपनी करके नहीं देती। ये क्या है, जो आम इंसान होता है वो अपने जुगाड़ से इधर उधर सामान जोड़ जाड़ के इस टाइप का डिज़ाइन बना लेता है। ठीक है, तो इसलिए इसे जुगाड़ कहा जाता है। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे बच्चों, चित्र में बनी गाड़ी को किसी कंपनी नहीं बनाया बल्कि इसे आम इंसानों ने बनाया है, इसलिए इसे जुगाड़ कहते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे भी जुगाड़ अपने इंडिया में बहुत फेमस है। प्रश्न क्रमांक 6, तो ये है बच्चों, वर्ग पहेली में उन स्थानों के नाम खोजिए जहाँ पर नीचे दिए गए साधन उपयोग होते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ साधन दिख रहे हैं बच्चों, जैसे बांस का पुल, ट्रॉली, ऊंट गाड़ी, बल्लम, तो ये एक वर्ग पहेली दिख रही है इस साइड। तो यह जो साधन है वो कहाँ किस स्थान पे उपयोग होते हैं उन स्थानों को इस वर्ग पहेली में हमें ढूंढना है। जो बांस का पुल है बच्चों वो इस्तेमाल होता है असम में, तो असम कहाँ है ये देखो, यहाँ दिख रहा है असम, ये इस जगह पर असम है। ठीक है, दूसरा है ट्रॉली, ट्रॉली लद्दाख में इस्तेमाल होता है, तो लद्दाख ये इस जगह पर है, इस जगह पर आप बना सकते हैं ये यहाँ। ठीक है, और ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी राजस्थान में, तो राजस्थान ये यहाँ है बर्फ पहेली में। ठीक है, और बल्लम, बल्लम है केरल में, केरल कहाँ है ये इस जगह पर है, इस जगह पर केरल है। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 6 कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, चित्र में दिख रहे यातायात के साधन का नाम लिखिए। तो हमें जो चित्र में दिखाई दे रहा है बच्चों बड़ा धुंधला सा दिख रहा है, लेकिन फिर भी पता लग रहा है, यहाँ वीडियो में तो आपको धुंधला दिख रहा होगा लेकिन मैंने बुक में जब देखा था तो ये पहचान लिया मैंने, ये है बैलगाड़ी बच्चों, जो बैलों के द्वारा जो गाड़ी बनाई जाती है उसे बोलते हैं बैलगाड़ी। तो उत्तर हो जाएगा इसका बैलगाड़ी। प्रश्न क्रमांक 8,
ये है, जानवरों को गाड़ी खींचते समय कैसा महसूस होता होगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी चीज़ को ऐसे बोझा उठाने के लिए बोलेंगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसका उत्तर हम इस तरीके से दे सकते हैं बच्चों, जानवरों को गाड़ी खींचते समय अच्छा महसूस नहीं होता होगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। प्रश्न क्रमांक 9 जो है, सीमेंट से बना पुल बांस के पुल से अधिक मजबूत क्यों होता है? जाहिर सी बात है, सीमेंट का जो पुल बनाया जाता है उसमें ईंट, रोड़ी, पत्थर और है ना क्या कहते हैं सरिया आदि का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये एज कम्पेयर बांस के पुलों से मजबूत होता है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, सीमेंट से बना पुल सीमेंट, ईंटों और लोहे के सरिये से बने होते हैं, इसलिए ये पुल बांस के पुल से अधिक मजबूत होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, हम रेगिस्तान में बैलगाड़ी से यात्रा क्यों नहीं कर सकते? तो हमें पता है बच्चों, रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत फैली होती है और रेत में बैलगाड़ी धस सकती है, जिससे कि उसे चलने में कठिनाई होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर हम इस तरीके से दे सकते हैं बच्चों, रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत होती है और बैलगाड़ी रेत में धसती है, इस कारण हम रेगिस्तान में बैलगाड़ी से यात्रा नहीं कर सकते। बच्चों, इस उत्तर के साथ ही हमारी ये वीडियो कम्प्लीट होती है। अगर हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हम आपको और भी इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर देते रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब आज के लिए इतना काफ़ी है, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो।